अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो ये चार चीज़ों का, चार बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मंदिर जा रहे हैं तो कभी भी काले कलर के वस्त्र पहन करके मंदिर मत जाइएगा। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो सुंदर वस्त्र धारण करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर जाना पड़ता है। काले कलर के वस्त्र कभी भी पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद में कहा कि महिलाएं मंदिर जाएं तो सिर पर कपड़ा जरूर डाले, सिर को ढक कर के ही मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ों के सम्मान का प्रतीक है। जो महिला मर्यादित होती हैं, सबका सम्मान करती हैं, वो सिर को ढाक करके ही मंदिर जाती हैं। तीसरे नंबर में, जब आप मंदिर जाओ तो चमड़े से बना हुआ बेल्ट धारण करके बिल्कुल मत जाइए, या फिर चमड़े से बना हुआ अन्य सामान को लेकर के मंदिर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और चौथे नंबर में, नशा करके, शराब पान करके, मदिरा पान करके मंदिर कभी भी जाना नहीं चाहिए। वैसे जीवन में केवल मंदिर जाने के लिए ही नहीं, कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। देखो, आप रात को बाहर से जब आते हैं तो मदिरा पान करके आते हैं। कई लोग मैंने देखा है, हमने सुना है कि जब रात के समय घर आते हैं बाहर से तो मदिरा पान करके आते हैं, और घर के लोगों के साथ में गलत तरीके से बात करते हैं, माँ बाप का अपमान कर देते हैं। घर भी एक मंदिर समान है, जहाँ आपका परिवार रहता है। घर भी एक मंदिर समान है। आप अपने घर में रसोई घर बनाते हैं, आप अपने घर में पूजा मंदिर बनाते हैं, जहाँ आप अपने भगवान को रखते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। इसलिए घर में भी कभी मदिरा पान करके, शराब पी करके घर में भी नहीं आना चाहिए। और हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मदिरा पान मत करिएगा। मदिरा पान करने से नुकसान आप ही का है। आप सोचो कि मदिरा पान करने से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर ही तो नशा रहता है, लेकिन नहीं। अगर आप मदिरा पान करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। शराब पीना बहुत बड़ा पाप। शराब पी करके आप अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ में सभी का अपमान करते हैं। इसलिए कभी भी शराब पीना ही नहीं चाहिए। फिर कहा कि मांस भक्षण करके कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाने के ये चार नियम जिसको पता चला, वो जीवन में धन्य हो जाएगा। वस्त्रों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। मंदिर जा रहे हो तो पीले वस्त्र पहनो, लाल वस्त्र पहनो, क्योंकि माता लक्ष्मी को, माँ जगदम्बा को लाल वस्त्र हम अर्पण करते हैं। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र अत्यंत पसंद है, इसलिए लाल, पीला, अन्य कलर के वस्त्र धारण करके आप मंदिर जाएं। लेकिन कभी भी भूल से भी काले वस्त्र पहन करके मंदिर ना जाएं। ये इस तरीके से मंदिर जाना अच्छा नहीं माना जाता है। सिर को ढक करके जाएं, सभी का सम्मान करें। हर किसी को चाहिए कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें। अगर हम इन चार बातों का ध्यान रखते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जो आजकल के नए लोग हैं, उनको शायद पता ना हो तो अब पता चल गया, काले वस्त्र पहन करके ना जाएं, और महिलाएं मंदिर जा रही हैं तो सिर को ढाक करके जाएं, चमड़े से बना हुआ बेल्ट अन्य सामान को लेकर के मंदिर ना जाएं, नशा करके और नॉनवेज खा करके मंदिर कभी भी जाना नहीं चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना।